उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद अवैध कब्जाधारियों की जांच के लिए एक टीम सोलन पहुंची। देखते ही देखते अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने तब जाकर थोड़ी राहत की सांस ली जब उन्हें पता चला कि यह टीम सिर्फ बहुचर्चित विवाता मॉल, अमित अपार्टमेंट व सुगंधा अपार्टमेंट की जांच के लिए आई है। करीब आधा दर्जन अधिकारी इस टीम का हिस्सा थे, जिसकी अगुवाई में निदेशक TCP संदीप कुमार रहे। सोलन शहर में अवैध निर्माण को लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए तुरंत प्रभाव से कार्यवाही करने के उपायुक्त आदेश जारी कर दिए थे। पहले चरण में लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यवाही अमल में लाते हुए माल रोड सहित अन्य स्थानों से कब्जे हटाए गए, जबकि दूसरे चरण में नगर परिषद के नियमों को ताक पर रखकर किए गए निर्माण को तोड़ने के आदेशों की पालना होने पर नजर रखी जा रही है। गौर रहे कि शहर में बहुत से भवन निर्माण नियम कानून को दरकिनार करते हुए किए गए हैं। नगर परिषद के संबंधित अधिकारियों ने ऐसे भवन मालिकों को NOC भी जारी कर दी, लेकिन अब उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सभी अधिकारियों के हाथ पांव फूलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अदालत के आदेश अनुसार ऐसे अधिकारियों पर भी अवैध निर्माण को स्वीकृति प्रदान करने पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। निदेशक नगर नियोजन संदीप कुमार ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर वह यहां पहुंचे हैं। उनके साथ शिमला नगर निगम के चीफ आर्किटेक्टर तथा सोलन नगर नियोजन अधिकारी और लोक निर्माण विभाग के अधिशांशी अभियंता के साथ है। सभी अवैध निर्माण भवनों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इनकी पूरी रिपोर्ट माननीय अदालत में पेश की जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार इंस्पेक्शन में आया हूँ। विवांता मॉल, अमित अपार्टमेंट्स और सुगंधा अपार्टमेंट्स, सुगंधा अपार्टमेंट्स में ही एक प्लेटिनम मॉल बना हुआ है, मैं उनका निरीक्षण करूं। तो आज थोड़ा सा हम निरीक्षण करके टेक्निकली इन बिल्डिंग्स को कैसे एनालिसिस करना है, तो UMC सोलन को हमने कहा है कि वो इनके जो अप्रूव्ड मैप्स हैं वो हमें दें, और जो एक्चुअली स्ट्रक्चर अभी बने हुए हैं उसके ऊपर फिर हमारी टेक्निकल टीम जो है वो उनका निरीक्षण करेगी और हम देखेंगे कि कितनी डेविएशन यहां पर निकल के आई। कम से कम हमें और एक महीना लगेगा इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को फाइल करने में।